मिस्टर राज्याध्यक्ष मुझसे इतना इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर किया। दिस इज द अपॉइंटमेंट लेटर। चमक देखो अपने चेहरे पर, एक नया मौका क्या मिल गया? जैसे कि तुम्हें नशा चढ़ गया हो। अरे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो आसमान पर उड़ रहे हो। फूलो मत मिस्टर कुलदीप जुट्ठा कि दो कौड़ी की औकात नहीं थी तुम्हारी। अरे इस छोटे से शहर में ना माचिस की डिबिया जैसे घर में रहते थे तुम। छोटे से सपने थे तुम्हारे, एम्बिशन ना के बराबर। मैंने तुम्हें निखारा, मैंने तुम्हें पहचाना, तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया मैंने। सात जन्म भी अगर मेरे पास काम करोगे ना तो भी मेरा कर्जा नहीं उतार पाओगे। अरे समझते क्या हो तुम खुद को? बस बस सर, मेरी तरक्की की एक छोटी सी न्यूज सुनकर इतना घबरा गई तुम, ये मत भूलो ये न्यूज मैंने ही शेयर की तुम्हारे साथ। अगर चाहता तो छुपा सकता था। मुझसे छुपाओगे? जानते नहीं कौन हूं मैं? हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे खिलाफ कोई सीक्रेट प्लानिंग? हाँ सैम, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहूंगा, पारखी नजर है तुम्हारी। बिजनेस की ऐसी समझ बहुत कम लोगों में होती है। मानता हूं कि मैं कुछ नहीं था, मानता हूं मैं कि तुमने मेरे टैलेंट को पहचाना, मुझे ग्रूम किया, लेकिन सैम तुमने मुझे सिर्फ मौका दिया, मौका उसे इन कैश मैंने किया अपनी मेहनत से। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के टर्नओवर के पीछे अकेली तुम नहीं हो सर, मैं और हमारी कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हैं। तुम्हें हम जैसे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज को थैंक यू कहना चाहिए सैम। लेकिन तुमसे इस बात की उम्मीद करना बेकार है। ये लेटर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो क्या है कि सैम की कंपनी से स्मूदली निकलने के लिए ये लेटर मेरे काम आएगा। सर सैम के साथ खुले हुए चैप्टर्स को बंद करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सर मैं उससे अलग तो होना चाहता हूँ, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी नफरत की आग में मेरी मेहनत पर पानी गिर जाए। आई लव यू सैम, एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। सैम मैं तुम्हें ऊंचा, बहुत ऊंचा देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनो, तुम्हें जिंदगी का हर सुख मिले। क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे भी ये सब मिले? हम दोनों अलग थोड़ी ना है सैम, हम एक है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या फर्क पड़ता अगर मैं कहीं और जाके काम करूं? फर्क इससे पड़ता है कि हम एक दूसरे की अचीवमेंट्स को एक साथ सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करें। बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम कुलदीप जट्टा, मुझसे बराबरी करना चाहते हो। ये भ्रम ना अपने दिमाग से निकाल लो तुम। अब जाओ, कहां जाओगे? ये सिर्फ एक प्रिंट आउट था, अपॉइंटमेंट लेटर अब भी है मेल पर। कहां जा रहे हो? शुभ्रा के घर।
डिवोर्स के काम है, प्लस आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तुम तो सेलिब्रेट करोगी नहीं, वो जरूर मेरे साथ सेलिब्रेट करेगी। ठीक है, जहां जाना है वहां जाओ, but I don't care. समझता क्या है कुलदीप खुद को? हाँ, रिस्क समाए रहा हूं मैं। वो था क्या, जमीन पर पड़ी धूल? मैंने उसकी किस्मत बदली। जानता नहीं है वो कि मैं उसे मिटा भी सकती हूँ। दीदी शांत, दीदी शांत, दीदी ये देखो, ये चमत्कारी बाबा ने खास खास आपके लिए भिजवाया है। इसको आपने भैया जी के नहाने वाले पानी में सिर्फ 6 चुटकी मिलाना है, फिर देखना भैया जी आपके बस में हो जाएंगे। ये देखो। निकल, अभी निकल इस घर से बाहर, और तेरे ये बाबा के धागे और ये भस्म भी साथ लेकर जा। मुझे मेरी लाइफ में चमत्कार के लिए ना किसी भस्म या किसी धागे की जरूरत नहीं है। समाए रहा हूं मैं, मेरी लाइफ के सारे स्विचेस मेरे खुद के हाथ में, मेरी लाइफ में खुद कंट्रोल करती हूँ, समझी? और कुलदीप को तो मैं जगह पर लाके रहूंगी, खुद अकेले। करने क्या वाली हैं दीदी आप? देखती जा। टाइम है आने का, बच्चे सो रहे हैं, तुम इतनी बार घंटी बजा रहे हो। I'm sorry. एक बार मैसेज कर देती, मैं दरवाजा खोल देती, अंदर हो। घर की यही छोटी छोटी बात है यार, इसी डांट फटकार, यही सब तो मिस कर रहा हूं। कुलदीप की हो या पुत्र, ऐनी रहती सब ठीक? हाँ जी बीजी, सब ठीक है। क्या आज की रात मुझे इस घर में पनाह मिल सकती है? हम आपको जाने ही नहीं देंगे, है ना रोली? यस ऋषि। बिल्कुल, चलो अब रात बहुत हो गई है, सोना है कि नहीं? सुबह तुम लोग के ऑनलाइन क्लासेस भी है। चलो चलो। मम्मा आज हमें पापा सुनाएंगे। पापा कहानी सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल सुनाएंगे पापा, और क्यों नहीं सुनाएगा? अगर नहीं सुनाएगा तेरे पापा के कान खींच लेने में। बच्चों को सुला सकता हूँ। पापा हो तुम, पूछ क्यों रहे हो? आज हम पापा के साथ सोएंगे। आप आई के साथ सो जाना। ओए क्या है मतलब, पापा आ गए, दादी को देश निकाला? कुलदीप सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है। थैंक्स। 12 साल पहले वाली शुभ्रा लौटी है, बीवी नहीं अब दोस्त है ना, शायद इसीलिए। क्या सोच रहे हो? यही कि जब तुम साथ होती हो तो बिना मांगे सब मिल जाता है, जैसे कि तुम मेरा मन पढ़ लेती हो।
जैसे कि ये ग्रीन टी। बोलो क्या हुआ था शाम को? वही जो होना था। नया क्या होगा, गुस्सा हुई फिर फायरिंग शुरू कर दी। आई वाज डॉजिंग। इसने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, एहसान याद दिलाया, धमकी थी और फिर उसे ना छोड़कर जाने की सजा सुनाई। यार सैम को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तुम भी ना, जब उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हुआ तो तुमने कल आते नहीं। शोरा, मेरे लिए सुनना बहुत जरूरी था, मेरे ईगो को गहरी चोट पहुंचना बेहद जरूरी था, वरना मैं जागता कैसे? वैसे भी अब आदत सी पड़ी तो गई है सब सुनने की। सुनना क्यों जरूरी था? तुम इतनी स्ट्रांग चाय नहीं पीती हो। अब पीने लगी हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जैसा मैंने दूसरों के साथ किया, अगर मेरे साथ वो होगा तभी तो समझ पाऊंगा ना कि वो दूसरा इंसान किस दर्द से गुजरा होगा। मतलब तुम्हारे साथ भी तो मैंने यही किया था ना, तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें दुख देना, तुम्हारे ईगो को कुचलना, नीचा दिखाना, खुद को तुमसे बेहतर समझना, तुम्हें खुद से छोटा समझना, ये तो रोज की आदत पड़ गई थी मुझे। लिस्ट इतनी लंबी है ना कि उसके आगे सैम की एक दो फटकार कुछ नहीं है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उससे तुम्हें कितनी चोट पहुंची होगी, इस बात का एहसास सैम हर रोज मुझे दिलाती है। मुझे मेरी औकात दिखाकर ऐसा लग रहा है कि अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहा हूं, मैं उसी की सजा भुगत रहा हूं। मैं बहुत हर्ट किया ना सामने तुम्हें, उतना नहीं जितना मैंने तुम्हें किया। मानता हूं कि मैं कुछ नहीं था, मानता हूं मैं कि तुमने मेरे टैलेंट को पहचाना, मुझे ग्रूम किया, लेकिन सैम तुमने मुझे सिर्फ मौका दिया, मौका उसे इन कैश मैंने किया अपनी मेहनत से। गुड मॉर्निंग समारा। आई हैव नो टाइम फॉर गुड मॉर्निंग्स एंड गुड नाइट्स। मिस्टर कुलदीप चड्ढा को 50 करोड़ के गबन में फंसाने का जो हमने प्लान बनाया था ना, उस सोच को सच करने का वक्त अब आ गया है। दीदी आप रात भर से नहीं सोई? दीदी आप ऐसे क्यों हंस रही है? दीदी आप ठीक है? तेरे चमत्कारी बाबा जो नहीं कर सके ना,
मैंने कर दिया। चड्ढा की लगाम कसने का वक्त आ गया है। मुझे छोड़कर शुभ्रा के पास सेलिब्रेट करने गया है ना वो। सेलिब्रेशन की वजह भी है मुझे छोड़ना। आसमान से जमीन पर लपटकूंगी मैं उसे। Just wait and watch. Just wait and watch for के। बेटा जी आप बैठो। बीजी मैं करती हूँ। मैं परोसती हूँ। मैं परोसती हूँ। अरे बीजी आप। कितना अच्छा लगता है जब सारे एक साथ मिल बैठ कर खाते हैं। तू रह गया था। ओ बीजी इतना मक्खन जो पकड़ बीजी मोटा हो जाना कैलोरीज इतनी सारी। बेटा डाइट डाइट ना किया कर ज्यादा। बच्चों से हार गया तू। मम्मा पानी। आया। और तो ये प्लेट ले और आराम से बैठे आप। खत्म कर। अरे नहीं नहीं बस बस। एक एक बेटा। ये चार खा चुका पेट फट जाएगा। ये ब्रेकफास्ट नहीं मेरा ब्रंच हो गया। बेटा शक्ल देखिए चूसा हुआ आम लग रहा है। घर का मक्खन में थोड़ी ना भर जाएगा। पीछे टाइम लगता है आराम से। मैं फिर आऊंगा ना पक्का। मुझे लेट हो रहा है मुझे निकलना होगा। बाय। मैं चलता हूँ। रुक जाओ ना। क्लास के बाद साथ में लंच करेंगे और डिनर भी। बेटा मैं वापस आऊंगा बहुत जल्द। ओके आई प्रॉमिस। ओए तेरा ही पापा है कहीं नहीं जाना उसने। अभी आ जाना है वापस। बाय कुलदीप। तुम प्लीज अपना ध्यान रखो। तुम पूरी रात घर नहीं गए और सैम गुस्से में पागल हो चुकी होगी। सो प्लीज टेक केयर। मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ रात भर बैठ कर ना उसने बदला लेने का प्लान बनाया। पर हम रेडी हैं और हमारा प्लान उसके प्लान से दो कदम आगेगा। दीदी उठो। आप रात भर से नहीं सोई है। कुछ खाया भी नहीं है। आप कुछ खा लो हम बना के लेके आते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना। फिर के तू मेरा सर मत खा। जब तक चड्ढा नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है जल्दी उठ गई तुम।
क्या हुआ? रात भर सोए नहीं क्या? क्या हो गया? कहाँ थे तुम रात भर? हाँ, अरे बताया तो था शुभ्रा के घर जा रहा हूं मैं, डिवोर्स की फॉर्मेलिटी है, काफी कुछ डिस्कस करना होता है, एलिमनी वगैरह वगैरह, और साथ ही सेलिब्रेट भी तो करना था ना। अरे क्या क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कर कर आए हो? डिवोर्स की डिस्कशन के लिए पूरी रात लग गई तुम्हें शुभ्रा के घर, ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा था तुम्हारा? शुभ्रा से डिस्कशन करते करते लेट हो गया, और मैंने कहा था ना सेलिब्रेट करना था मुझे, तुमने तो मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया था। सो सेलिब्रेशन? हाँ। व्हाट डिड यू डू?